नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, मैं हिमांशु। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बीते कुछ समय से कर्ज माफी को लेकर भी कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन ये भी सिर्फ धोखा है, झूठ है। कर्नाटक में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, सिर्फ 10 दिन की बात कही गई थी, लेकिन आज 6 महीने बाद सच्चाई कुछ और है। अभी 2-3 दिन पहले ही अखबारों ने विस्तार से रिपोर्ट छापी है कि कर्नाटक में 6 महीने में 1000 किसानों को भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। सोचिए, 1000 को भी नहीं, सैकड़ों किसानों के खिलाफ अदालतों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि ये सच्चाई दब जाए, छिप जाए, देश के किसानों के सामने न आए, लेकिन किसानों से की जा रही है धोखाधड़ी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देने वाली है। कांग्रेस की साजिश को बीजेपी सरकार घर घर जाकर के पहुंचाएगी। साथियों, याद करिए, 2008 में भी कांग्रेस ने देश भर के किसानों को ऐसी ही कर्ज माफी का वादा किया था। तब देश के किसानों पर 6,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की कितनी की, 6,00,000 करोड़ का कर्ज, और किया कितना, सिर्फ 60,000 करोड़। कहां 6,00,000 करोड़ और कहां 60,000 करोड़। कितना बड़ा धोखा। इतना ही नहीं, कर्ज माफी की आड़ में ऐसे 35,00,000 लोग करीब करीब वो निकल आए जो कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन वे कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे, पिछले दरवाजे से रुपये मार गए। भाइयों और बहनों, खेती किसानी से जुड़ा कोई भी सेक्टर हो, कांग्रेस ने उसे मजबूत करने की और कभी भी ध्यान नहीं दिया।